मैं अन्नपूर्णा विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। उमरिया जिले में अयोध्या मामले पर जिले में शांति व्यवस्था कायम। उमरिया जिला के अंतर्गत अयोध्या मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा किए गए फैसले को लेकर जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के द्वारा शांति व्यवस्था को लेकर पूरी तरह सतर्कता बरती जा रही थी। जिला दंडाधिकारी द्वारा सभी सेक्टरों में कार्यपालिक दंडाधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों की सहयोग तैनाती की गई थी, जो दिन भर पेट्रोलिंग करते हुए कानून व्यवस्था के मॉनिटरिंग करते नजर आ रहे थे। इस दौरान जिला दंडाधिकारी कलेक्टर सर्वोच्च सोमवंशी एवं पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा अपनी टीम के साथ कानून व्यवस्था की मॉनिटरिंग करते रहे एवं शहर के मुख्य मार्गों से होकर संयुक्त रूप से भ्रमण करते हुए कानून व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पूरे जिले में शांति व्यवस्था बनी रही एवं जिले में स्थिति समान थी। पुलिस प्रशासन द्वारा सुबह से ही सार्वजनिक स्थानों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड एवं धार्मिक स्थानों में पुलिस की चौकसी कड़ी कर दी गई थी एवं शिक्षण संस्थानों, स्कूल एवं महाविद्यालयों में प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार अवकाश घोषित किया गया था। समान दिनों की तरह जनजीवन समान रहा। लोग आसानी से अपने काम काज के लिए रोजाना की तरह निकल रहे। सुरक्षा को देखते हुए जिले में कुछ स्थानों बंद नजर आ रहे हैं। अयोध्या मामले में फैसले के दौरान जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा पूर्व में ही तैयारियां शुरू कर दी गई थी एवं पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च निकाला गया। जिले के विभिन्न क्षेत्रों में कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक एवं संबंधित एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार तथा अनुविभागीय अधिकारी, पुलिस निरीक्षकों द्वारा विभिन्न समुदाय के लोगों के साथ बैठक जिले में अमन चैन कायम करने के लिए आपसी सौहार्द भाईचारे का वातावरण बनाए रखने की अपील की गई, जिसका लोगों पर व्यापक असर देखने को मिला। पेश उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। जो अयोध्या मामले का जो फैसला आया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो भी फैसला आया है, वो हमारे समाज के लिए और हम सब के लिए सर्वमान्य है। हम सब उस फैसले का सम्मान करते हैं और निश्चित रूप से उमरिया जिले की जो कौमी एकता बनी हुई है हमारे यहाँ से, जो गंगा जमुनी की जो तहजीब का उदाहरण पूरे देश में दिया जाता है, उस एकता को हम सब बरकरार रखेंगे मिलकर। और हमारे जिला प्रशासन की तरफ से संपूर्ण व्यवस्था यहाँ पर की गई है, पूरी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और हमारे शहर में बिल्कुल भी इस मामले को लेकर खुशी का माहौल है। इसमें कोई भी कहीं पर कोई भी दिक्कत नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय का जो भी फैसला है वो सर्वमान्य है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज अयोध्या मामले को लेकर एक फैसला किया है, जिसमें कि पूरे विश्व और पूरे उम्र भारतवर्ष के एक एक नागरिकों की नज़र थी, जिसमें जो जैसे कि हिंदुस्तान के नागरिक अपेक्षा करते थे उसी के अनुरूप माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय पारित किया है। इस निर्णय के बाद ये जो फैसला आया है उसमें अयोध्या में जो भी धर्मावलंबी है, जो भी हों, उन सबको सुप्रीम कोर्ट ने अपने अपने तरीके से अपने अपने उनके हक और उनके रिकॉर्डों के आधार पर उनको सहायता पहुंचाई है। जहां तक सर्वोच्च न्यायालय का ये फैसला है, निश्चित रूप से बहुत उचित है और जो अयोध्या और भारतवर्ष के लोग हर एक धर्म और समुदाय के लोग सोचते थे, समझते थे, उसी के अनुरूप है। इस फैसले की, सर्वोच्च न्यायालय की फैसले की हम सर्वथा प्रशंसा करते हैं और ये देश और समाज की उचित है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है निश्चित तौर पर स्वागत योग्य है और पूरे देश ने इसको दिल से स्वीकार किया है। और हमारी भी सबसे अपील है, मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपील करता हूँ कि सभी लोग सौहार्द का वातावरण बना के रखें, किसी प्रकार कोई दंगा फसाद ना हो, कोई क्षति ना हो। एक बार पूरा मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो है धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बात यह है कि हमारे जिले में एकदम सौहार्दपूर्ण वातावरण है, किसी प्रकार कोई अशांति नहीं है, सभी लोग अपने अपने कामों में लगे हुए हैं और शांति पूरी तरह कायम है यहाँ पे। सर्वोच्च न्यायालय ने जो राम जन्मभूमि मामले को लेकर जो फैसला दिया है उसका हम सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं और पूरे देशवासियों को सम्मान और स्वागत करना चाहिए। साल से भी अधिक समय से जो विवादित मामला था उसका निर्णय हुआ है, तो पूरे देश हित में है और सबको सम्मान करना चाहिए। यहाँ पर उमरिया जिले में सब कुछ सामान्य है, शांति है, सब अपने रोजमर्रे के काम में लगे हुए हैं।
कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और एक बहुत बड़ा जो मुद्दा था, उस मुद्दे का पटापेच उच्चतम न्यायालय ने किया है। आगे भी हम यही आशा उम्मीद करते हैं कि इसी प्रकार से गंगा जमुनी संस्कृत बनी रहे, हमारे में आपसी भाईचारा प्रेम रहे, किसी प्रकार को कोई दिक्कत न हो। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान होना चाहिए, यही हम निवेदन। आज माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के पहले से ही हम लोगों की पूरी तैयारियां थी। धारा 144 हम लोगों ने सोशल मीडिया, प्रेस पे और उसके अलावा अनलॉफुल असेंबली, इन सब पर लगा के रखा था। आज सुबह से ही सभी जगहों पर, सभी अपने सभी शहरों में फ्लैग मार्च, ईयर डोमिनेशन की कार्रवाई की गई। एसपी साहब, मैं, सभी एसडीएम साहब, एसडीओपी साहब, टीआई, सभी लोग आज फील्ड में थे और बड़े अच्छे तरीके से हम इसको विजिल रखे हुए हैं, न केवल फील्ड पर बल्कि सोशल मीडिया में भी। और सभी से यह अपेक्षा की जाती है कि ना तो कोई अफवाह फैलाएं और न ही कोई अफवाह फैलने दें। यदि कोई व्यक्ति इस तरह की अफवाह या कोई ऐसी बात जो किसी वर्ग विशेष को ठेस पहुंचाता है करता है, तो उसकी सूचना पुलिस को या प्रशासन को समय पर दें और आप एक जिम्मेदार नागरिक होने का अपना फर्ज अदा करें। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा काफी लंबे समय से जो कि पेंडिंग था, आज अयोध्या प्रकरण में फैसला आ गया है और लगभग पूरे देश में एक ही मत है कि सभी सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं और जो भी उसमें कहा गया है अक्षरशः उसका पालन होगा। उसी के तहत अब कल मिलादुन्नबी का पर्व है, जो कि बहुत हर्षोल्लास से मगिया जिले में मनाया जाता है। इसमें लगातार चर्चाएं चल रही हैं और जो व्यवस्था है वो लगाई जाएगी और जैसे भी आगे होगा उसकी जानकारी दी जाएगी। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाएं, सब्सक्राइब कीजिए।